Last 10th NCERT, Chapter 12, Exercise 12.1, Question Number 1. The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. Now, mere ko radius of the first circle kya given hai? Radius of first circle is equal to 19 cm and radius of the second circle is equal to 9 cm. Now, as we know that circumference of circle of radius r is 2πr. ठीक है, तो अगर मैं आपसे circumference first circle की बात करता हूं तो क्या होगा, circumference of first circle क्या आएगा हमारे पास, 2π × 19, that is 38π cm. सिमिलर वे में circumference of second circle क्या आएगा मेरे पास, 2π × 9, that is 18π cm. ठीक है, तो अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करता हूं, वी विल गेट 38π + 18π, दैट इज 56π cm. ठीक है, नाउ लेट्स से रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी आर, अगर इसकी रेडियस आर है देन सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल विल बी 2πr. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये नया सर्कल का सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2πr, पिछले दो के सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर आना चाहिए, और सम क्या आ रहा है हमारे पास, 56π cm. तो यहां से r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 28 cm, और हमें क्या निकालना था, हमें उसी सर्कल की रेडियस ही निकालनी थी, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर.